कैमरा एक ही जगह पर थमाना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं सुनते हैं और यहाँ पर भीड़ जमा होती है। कोशिश तो हम करते हैं यहाँ पर आने से पहले भी वही बताने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर दिखाई दे रहा गंदा पानी, ये यहाँ पर सब आपको गोबर वगैरह दिखाई दे रहा है, पूरी खेती फैली हुई है और वो दूर आपको शहर भी दिखाई दे रहा है जो सयाद्रीनगर का हिस्सा है। मेरे घर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूरी पर अलतगढ़ करके गांव है, उस गांव में मैं सांप पकड़ने के लिए आया हूं और उनके कहने के अनुसार इस फर्श के नीचे सांप बैठा है। सांप के बारे में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पर हूँ लेकिन सांप मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि सांप एक जगह पर काफ़ी देर बैठ सकता है डर के, और वह अच्छे साफ सुथरे पानी में रहने वाला हो तो भी बैठ सकता है। तो ये फर्श निकालने के बाद ही इसके बारे में पता चलेगा। कौन पकड़ते हैं बगाला तो नहीं मिलता क्या? बंद का चलो है बस है चला है सर। तुमचा कॅमेरा कशाला होता दुसऱ्याकडे वजह दिला ना चालू सर? काउंट झाले का बघा? काउंट झाले का? 9 सेकंड 10 सेकंड झाले आता मगाशी बंद होता तो बरोबर नाही? तो हे आला की मी सांगतो सूरज जल्दी इकडे इकडे सर मावी थोडे ले उस नहीं नहीं कभी सी तुम्हारा साप वैसे गंदे पानी में बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ा सा बेचारा ये जख्मी है और जो फन निकलता है उसी फन को, मतलब उसी फन की फसलियाँ जो है उसको थोड़ा सा लगा हुआ है। इनके अनुसार कोई कह रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मुंगूस के साथ उसका कुछ नेवले के साथ कुछ फाइट हुआ था करके, तो इसलिए वो और लोगों का डर एक बना रहता है, इसलिए आप सोच नहीं सकते। मतलब कितनी बजे होती थी दोनों फोन किया लगभग 1 घंटा उसी गंदे पानी में बैठा है। मतलब सांप के ऊपर किस तरह से माहौल बना है उस तरह सांप का रहना होता है। मतलब नाग ऐसा कोई ये नहीं है कि वो गंदे पानी में बैठ के रहेगा, लेकिन डर के कारण वो जगह उसको सुरक्षित लगा, फर्श ऊपर था, गंदा पानी था, लेकिन एक तो नेवला उसके पीछे लगा हुआ था और लोग भी उसको ये कर रहे, तो मतलब इसीलिए ओपन जगह होने के बावजूद वहाँ पर वो ठहरा था। हल्का सा जख्मी है, बातें कम करेंगे, लेकिन उसको और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके अभी सीधा उसको हम बंद करते हैं इस पे। चलो यार जानना म्हणला बघा शांति कृपा जी म्हणला बन्ना मला बघा भरजाई चारतीची का बघा सूरज इस तरह से अंदर चला गया। सांप को थोड़ा सा पता नहीं होता, डर वाली जगह पर नहीं जाता, लेकिन कहाँ पर बैठा था आपने इस तरह से देखा। काफी लोग हैं, लोग सुनते नहीं है, लोगों को सांप का बहुत डर है लेकिन कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है। राइट। सांप का ही कारण हमेशा हम बताते रहते हैं, लेकिन कोरोना दुनिया पर किस तरह से मंडरा रहा है तो घर में बैठना जरूरी है, लेकिन लोगों को डर मिटाने के लिए अगर रास्ते पर हाथी छोड़ा जाए और हाथी ने कुचला दिया जाए तो भी देखने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, तो यहाँ तो सांप है तो इसलिए निकलते भीड़ जमा होते हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस सिर्फ सांपों के बारे में नहीं कोरोना के बारे में भी होना जरूरी है, और सुरक्षित रहने के लिए आपकी देशभक्ति दिखाना है आपको तो घर में रहना, सुरक्षित रहना और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही मायने रखता है, जरूरी है। यहाँ पर रुकते हैं लेकिन सांपों को बचाने का डर दूर करने का सफर इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद।